हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से अभी आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मैस एनालिसिस। ठीक है, मैस एनालिसिस में क्या होता है, पहले हमको साइन कन्वेंशन समझना होगा, क्योंकि हम वहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पे ए और बी टर्मिनल है, उसके बीच में कोई वोल्टेज प्रेजेंट है। अब उस वोल्टेज का जो स्मॉल लाइन है वो क्या आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है, जो बिग लाइन है वो आपका क्या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लो मैं इस ए से बी की साइड जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन है, ए टू बी, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, दैट मीन्स देर इज राइज इन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज वॉट राइज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल में राइज होगा। जब पोटेंशियल में राइज होगा तो आप कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव साइन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट ए टू बी, अभी दूसरा मैंने सिंबल लिया, पोटेंशियल जो लिया ए टू बी, अभी इसमें मेरा जो मूवमेंट है कहाँ से, ए टू बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले प्लस आ गया और यहाँ पे क्या है, बाद में माइनस, मतलब हम यहाँ पे इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, फॉल इन पोटेंशियल, क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉल इन पोटेंशियल, क्लियर। तो फॉल इन पोटेंशियल, जब भी फॉल इन पोटेंशियल होगा तो आपको साइन, कौन सा साइन असाइन करोगे वहां पे, नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वहां, उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसकी भी पोलरिटी हमको मेंशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी ये ए और बी टर्मिनल है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया करंट आई, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस ए से बी की साइड है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, प्लस माइनस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेरा मूवमेंट कौन सा, ये तो करंट का मूवमेंट है, अब मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ ए से बी, जब मैं देखो ए से बी के जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहा, प्लस से माइनस, दैट मीन्स व्हाट, फॉल इन पोटेंशियल, वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल। जब फॉल इन पोटेंशियल तब आपको क्या बताया, नेगेटिव साइन आएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, ठीक है, देखो फॉल इन पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या रहा है, फॉल इन पोटेंशियल। सेकंड केस, अभी मैंने ए से बी, अब इस केस मैंने क्या कंसिडर किया, चलो करंट बी टू ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कहाँ है, बी टू ए, तो उसकी पोलरिटी क्या है, प्लस माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे प्लस मींस हायर पोटेंशियल और माइनस मींस लोअर पोटेंशियल, क्लियर। तो ये अपडेट है, अभी मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, मैं तो ए से बी की साइड जा रहा हूँ, अब मैं ए से बी की साइड होते हैं, अब देखो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राइज इन पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, राइज इन पोटेंशियल। जब राइज इन पोटेंशियल होगा तो मैंने आपको बताया था साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन, क्लियर। तो मेरा